हाई देयर, इट्स मी कुमार सोनल एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग बर्ड्स। आज हम लोग आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये रहा टिकट। यहाँ पे मोबाइल वीडियोग्राफी अलाउड है, ये हमने पहले ही पूछ लिया था। यहीं से जाना है? उस तरफ से जाना है। इस तरफ से गए तो हेलो हाई ये लोग करने लगे तो अब हम लोग उधर से जाएंगे। यहाँ पे स्टिक अलाउड नहीं है, तो स्टिक हमसे ले लिया गया है। ये अभी फाइनली हम लोग विक्टोरिया के अंदर हैं। यहाँ ड्रामा बहुत ज़्यादा है वैसे गेट पे, वो सारा ड्रामा क्रॉस करते हुए हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का है पूरा माहौल। एक्चुअली यहाँ पे गेट पे वीडियो कुछ अलाउड नहीं है, गेट के अंदर आइए फिर करिए। हाँ मतलब मत करिए, अलग ही तरीके का ड्रामा है। मतलब वो ड्रामा को समझने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। और बाद में जब वो जो 2-स्टार को जब मैंने पूछा तो उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था। यहाँ वैसे हम लोग एक बार ही पहले आ चुके हैं, उसका वीडियो दूसरे वाले चैनल में है, थॉट्स ऑफ सोनल। इस चैनल में ये पहली बार शूट हो रहा है वैसे, ये पता नहीं टाइम रहते हुए हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ना, घूस जाने के बाद निकलेगा। अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा सा एरिया है, ये इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे। वैसे इसके अंदर कभी गए नहीं है। हाँ इसके अंदर पहली बार जा रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले हम लोग आ चुके हैं, लेकिन मंडे को आए थे तो वो अंदर का गैलरी बंद था उस दिन, हमें मालूम नहीं था। म्यूजियम बंद। वैसे ये जो मार्बल है ना, ये मकराना मार्बल है जिससे ताजमहल भी बना है, यही सेम मार्बल है। कितना बड़ा सा गेट है इसका, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है सोमवार को बंद रहता है। अभी हम लोग जाएंगे अंदर। दो तरफ यहाँ पे इस तरीके के पेबल्स बिछाए गए हैं दूर दूर तक, और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये इसी विक्टोरिया मेमोरियल का है। सिक्योरिटी चेक यहाँ पे लिखा है, देखिए बाप रे क्या स्ट्रक्चर है ये। द मेकिंग ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, इस तरीके से काम यहाँ का स्टार्ट हुआ था। 1916 का है ये, नवंबर 1916 ये इसका एंट्रेंस जब बन रहा था। अभी जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़े ना, ये वो वाला सीढ़ी है, उस वक्त बन रहा था। ये देखिए इस तरीके से इंडियंस इस पे काम कर रहे थे, और ये इंजीनियर्स पोजिंग फॉर फोटोज विद कर्जन स्टैचू एंड मेड इन बैकग्राउंड। ये कर्जन का स्टैचू, और ये रहा देखिए किस तरीके से इंडियंस वर्क कर रहे थे इसको बनाने में। अगस्त 1917 का है ये 1918 का। द गिफ्ट ऑफ हिज हाइनेस द आगा खान, अच्छा आगा खान ने गिफ्ट किया था ये स्टैचू है सारे। और ये देखिए ऊपर में भी किस तरीके से बनाया गया है ये मीनार। गोथिक स्टाइल में है। वाह ये क्या है। ये देखिए ये जनवरी 1912 का है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, और ये मॉडल जब तैयार किया गया था सेंट पॉल कैथेड्रल जो यहाँ से पास में ही है। देखिए इस तरीके से स्टोन को मेज़र किया जा रहा था और काटा जा रहा था, इंडियंस ने वाकई बहुत मेहनत किया। और ये जॉर्ज फिफ्थ का स्टैचू मकराना मार्बल का बना हुआ है पूरा का पूरा। ये इंडियंस को इन्होंने इतना खटाया कि पूछने का नहीं है। ये देखिए ये जैकेट तात्या टोपे का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है एनफील्ड राइफल। फुट जेनिट सेक्टर बाय रैमस्टन, इसे टच नहीं करना है ये लिखा गया है यहाँ पे। ये है देखिए वो मॉडल। ये
ये इनके जहाज का मॉडल है, 19th सेंचुरी का जहाज है, रोज उड़ से बड़ा है। ये वाला रूम से अभी हम लोग निकल के आगे वाला रूम में जा रहे हैं उस तरफ। ये हॉल आपने अभी अभी देखा, यहाँ पे हमने शूट किया। इसके बाद हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ हम लोग इस हॉल में। और आप एक बार देखिए ये मार्बल अभी भी कितना साइन कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जगह है, कितना बड़ा एरिया है। इतना बड़ा सा एक स्टैचू है क्वीन विक्टोरिया का, एकदम लाइफ साइज, एकदम लाइफ साइज का है। तलवारें रखे गए हैं, ये देखिए। और इधर भी है कुछ तलवारें, भाला, ये देखिए। और यहाँ पे भी कुछ रखा गया है। अरे वाह, ये तलवार है, स्वॉर्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का तलवार है। राइफल है ये, और इसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लीजिएगा। और इस तरफ भी कुछ कुछ है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं अभी हम लोग। ये कुछ कुछ फोटोज़ दिया हुआ है और वही सब के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये श्री अरविंद घोष हैं, उनके बारे में दिया गया है। और ये अलीपुर बोमा मामला, ये लिखा हुआ है इसमें, पूरा उसका डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम यहाँ पे दे के उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पे जितना भी केसेस हुआ था, दिल्ली बॉम्ब केस, रास बिहारी बोस, ये कुछ कुछ पेपर्स हैं, बांग्ला वॉलंटियर्स और राइटर्स बिल्डिंग हमला, ये हमारे देश की वीरांगनाएँ हैं, प्रीतिलता वादेदार, दुर्गावती देवी, भिखाजी रुस्तम सामा, जानकी थेवार, ये भी कुछ पेपर कटिंग है जिनको यहाँ पे रखा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यहाँ पे
पिस्तौल है ये, और साथ ही ये कारतूस भी रखा गया है यहाँ पे। ये गन है, राइफल है, और ये गन पाउडर है, और यहाँ पे एक बोमा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बम है, ये देखिए। और यहाँ पे भी पिस्तौल है, चार चार पिस्तौल, और साथ ही कुछ कारतूस है। ये वाला जो हॉल है इसमें बस यही सब था, आगे एक इस तरफ भी ये देखिए, यहाँ भी जाने का रास्ता है, यहाँ पे कुछ है। तो अभी चलते हैं इधर, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है रखा हुआ। आपको लग रहा होगा कि मैं आज क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो उनका हाथ दुख गया थोड़ा सा, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। वैसे वो भी बना रहे हैं शॉर्ट्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका फ़ोटोज़ देकर उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया है, यहाँ पे नीचे में लिखा गया है। और यहाँ पे चल रहा है ये शो, जहाँ पे भी बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग का देश को आज़ाद किया गया, और किस तरह से क्रांतिकारी सब यहाँ पे लड़े, और किस तरह से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया देश को आज़ाद करने के लिए। और यहाँ पे भी सारा जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के बारे में दिया गया है, और साथ ही उनके बारे में डिटेल्स में ये बताया गया है। यहाँ से निकल के पीछे साइड में एक पार्क है, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत जो कुछ देखने को मिलेगा वो कर लेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी टाइम है 4:12, तो देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे, पहले यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ पे हमने शूट कर लिया, इसलिए अभी हम लोग निकल जा रहे हैं बाहर तरफ। बाहर पार्क है, और वहाँ पे कुछ कुछ शो है देखने के लिए, पेड़ पौधा, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे और फिर यहाँ से निकल। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, जब भी आइए बहुत भीड़ होता है। ये देखिए हम लोग पिछला बार जब आए थे उस समय भी बहुत भीड़ था, जबकि वो मंडे था फिर भी बहुत भीड़ था। और यहाँ से अभी हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, और एक बार एग्जिट अगर आप हो गए तो आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा, हालांकि मैं आ गई हूँ। तो अभी हम लोग निकलते हैं फिर बात करते हैं। तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए, अभी हम लोग इधर थोड़ा थोड़ा घूमेंगे। ये देखिए ये पार्क है, कुछ कुछ यहाँ पे पेड़ पौधा बस है और कुछ खास नहीं है। और यहाँ से आप उस तरफ रोड भी जा सकते हैं, उधर दूर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, है ना? इसके बाद चल देंगे यहाँ से। हाँ, और यहाँ पे एक तो गाड़िया भी है मतलब कि यहाँ पे एक तो जलाशय है, वो गाड़िया हम लोग का भाषा में बोलते हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है, ये देखिए। ये देखिए ये बैक साइड से, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा है ये। और ये देखिए ये है विक्टोरिया का एक और साइड, हम लोग उस तरफ से एंटर किए थे, उस तरफ से एंटर करके फिर वो बैक साइड से हम लोग निकले और फिर ऐसे करके हम लोग आए हैं। ये देखिए, और ये पूरा एरिया, ये मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये लगभग शायद 8 acres या कितने में फैला हुआ है, मैं एग्जैक्ट स्क्रीन पे दे दूँगा। तो ये था पूरा विक्टोरिया मेमोरियल। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।